एवरीवन, नाउ स्टार्ट योर क्लास। स्टूडेंट्स, आप अच्छे हैं? आई होप आप अच्छे से होंगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कक्षा 8 हिंदी माध्यम विषय गणित अभ्यास आपका 4.1 हो गया, 4.2। 4.2 में कल कुछ नियम पढ़े थे और सवाल भी हम किए थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज हम प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें हमें लिखा है सरल कीजिए। क्या लिखा है बच्चों? सरल कीजिए। सरल में हमको क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 27 की घात कितना है? 2/3। 27 की घात 2/3। ओके स्टूडेंट्स, 27 की घात 2/3। अब बेटे इसमें एक बहुत से सिंपल, वेरी सिंपल मानेंगे आप इसको, तो वेरी सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। ओके, वेरी सिंपल ट्रिक क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंपल ट्रिक ये है इसमें, जैसे 27 है और 27 की घात 2/3 है। ओके, यहां हमें इसका एलसीएम करना है, हमें क्या लिखना है, ये घात का ध्यान रखना है। जैसे ये 2/3 है, घात हमेशा छोटी लगाएंगे। कैसी लगाएंगे? छोटी। जैसे 27 की घात 2/3। अब 27 का हम एलसीएम करेंगे, क्यों मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने में क्या है, सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे, यहां सबको पता है 27 लिखा हुआ है, 27 की घात कितनी है? 2/3। ओके, अब हम क्या करें, सबको पता है एलसीएम लेंगे 27 का, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये तो सबको पता है 27 है, बहुत सिंपल है, 3×27 9 बार गया, 3×3=100। ये आपका एलसीएम हो गया, 27 में 3 का भाग दिया 9 बार गया, 3×3=3। क्लियर? अब एक की बहुत सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं, हमें जब भी मान ज्ञात करना हो तो एक सिंपल ट्रिक ये है बेटा, हम ये देखेंगे 2/3 लिखा है, सपोज करो ये हम अंश में दिया है घात 2/3, हमको क्या देखना है, मान लीजिए 3 होता सिंगल घात आपकी, तो हम इसका एलसीएम 3 बार कर देते, यदि यह 4 होता तो 4 बार, 5 होता तो 5 बार। और कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज कर लिया घात मान लीजिए 5, एलसीएम 10 बार होगा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम वही करेंगे, कंपलसरी नहीं है एक बार, पर उसको हम बना सकते हैं। एलसीएम मान लीजिए वो 5 लिखा है, हमारा एलसीएम 10 बार का है, सर ने ये कहा था कि जितना अपने बटे में होगा या घात होगी हम उतनी ही बार इसका एलसीएम करेंगे। बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, बिल्कुल राइट है ये बात। जैसे सपोज करो घात 5 है, एलसीएम 10 बार है, सिंपल है ना, नंबर तो सेम है, हम 2 का एक पेयर बना बना के उसको 5 बार लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो 2 आपके 10 बार हो गए, यहां आपके 3 6 बार होते, घात कितनी है 3, लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कंपलसरी नहीं, लेकिन अधिकांश क्या होता है इसमें एक छोटी सी ट्रिक, जैसे बटे में 3 है जो घात है, बटे में उतने बार हम इसका एलसीएम कर लेते हैं, यहाँ बटे में कितना था 3, तो ये 3 बार गया, अब यहाँ से हमने हल कर लिया 3×3×3, यहाँ से 2/3 सबको पता ही है। अब इसके बाद में 3 कितने बार, 3 बार, 3 कितने बार, 3 बार, ये 3 बार है, घात कितनी है 2/3, यहाँ से 3, इसको कोष्ठक को बोले क्या हो जाएगा, 3 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया 3×2, 3×2 भी समझ गए, 3 को कितने बार लिखना है 2 बार, कितने बार 2, क्या आ गया 9। क्या क्या आ गया, सरल सरल कर लिया। ओके, ये हमारा सरल है। अब इसमें मैंने नियम बताए थे आपको, नियम इसमें क्या लगा, नियम आपका ये लगा, जैसे एलसीएम तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये बात इसको रख कर यह नियम लिखे देते हैं, नियम आपका गुणा, कौन सा नियम आएगा,
ये वाला आपका यूज होगा। क्या यूज होगा इसमें, आपने देख लिया होगा या ओके। ए की घात एन इंटू एन कुछ तक बोला, ए की घात एन इंटू एन यानी ए की घात एन इंटू एन, ए की घात एन इंटू एन मीन्स तीन की घात तीन, तीन की घात तीन बोले दो बटे तीन खोल दिया, तीन से तीन कैंसिल, तीन की घात दो, तीन का दो बार बढ़ गया ना आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सरल करना है, बहुत सिंपल है। अब इसी क्रम में चौथे में भी आपको वही दिया है, चौथे में आपको क्या दिया है, बहुत सिंपल दिया है। चौथे नंबर का प्रश्न क्रमांक ले लेते हैं, ये आपका थर्ड हो गया और आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, दी गई संख्या का एलसीएम निकाल लिया, तीन बार गया, घात कितनी थी तीन, तीन बार, इसके बाद में तीन बार था, तीन का तीन घात हो गई बड़े दो बटे तीन, यहाँ तीन बड़े तीन नौ, आपका नियम लगा हुआ है, वो आपका नियम भी नोट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका सरल कीजिए, प्रश्न क्रमांक चार में भी यही दिया है, प्रश्न क्रमांक चार में भी यही दिया है, प्रश्न क्रमांक चार में दिया है बच्चों आपको यही दिया है, प्रश्न क्रमांक चार में क्या लिखा है, सरल कीजिए, ये भी सरल ही करना है, तीन की घात सरल कीजिए, पहला प्रश्न क्रमांक चार का फर्स्ट क्या दिया है बच्चों, तीन की घात, तीन की घात एक बटे दो गुणे गुणे तीन की घात तीन बटे दो, बहुत सिंपल है। अब इसको हल करना है, ये सरल करना है आपको, है ना, तो यहां से हल कीजिए, सरल करना है आपको, सभी को पता है बहुत सिंपल है, सरल करेंगे, यहां तीन की घात कितना है एक बटे दो, या तीन की घात कितना है तीन बटे दो, आधार समान है, घात अलग अलग है, नियम लग रहा है, आधार समान है घात आपकी तो एक बटे दो, प्लस गुणा में घातें जुड़ती है, गुणा में घातें बच्चों जुड़ती है, आधार समान है घातें अलग अलग है तो आपका गुणा में घातें जुड़ जाएगा, नियम लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तीन सबको पता है बच्चों, यहाँ दो और दो का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, दो दो ही आएगा ना, दो और दो का एलसीएम कितना आएगा दो, अब यहाँ से दो एकम दो एक बार गए, दो एकम दो एक बार गए, कितना है तीन, कितना हो गया तीन की घात तीन और एक चार, चार बटे दो, दो दो नी चार, तीन की घात कितना हो गया दो, कितना हो गया तीन की घात दो, इसको खोल दे, तीन बड़े तीन कितना आ गया नौ, इसका भी आंसर नौ ही आएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल गुणा में घातें होती है, ये नियम लगा दो, ए की घात एम इंटू ए की घात एन, ए की घात एम प्लस एन, ये रूल फॉलो हो जाएगा इसमें, यह रूल ए की घात एम इंटू ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन, बहुत सिंपल है, ए की घात यहाँ ए की घात क्या हो गया यहाँ से ये हो गया ए की घात एम इंटू ए की घात एन बराबर ए की घात एम प्लस एन, गुणा में घात, गुणा में, गुणा में क्या होता है घाते आपकी जुड़ती है, गुणा में घाते आपकी जुड़ती है, ओके बच्चों, तो ये आपका नियम था, ए की घात एम इंटू ए की घात एन बराबर ए की घात ए प्लस एन, एन प्लस एन कर दिया, गुणा में घाते आपकी जुड़ती है, सो आपको सबको पता है, तो यहाँ गुणा में हमने घाते जोड़ दी और हमने नियम भी आपका यूज हुआ, रूल भी फॉलो हुआ है, उसको भी हमने फॉलो कर लिया, नियम भी लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या किया, गुणा में घाते जोड़ी, ये दो और दो का हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना है दो लिया है, दो आया दो में दो का भाग एक बार, दो में दो का भाग एक बार, हर शब्द क्या दो, एक प्लस तीन कोई की कोई संख्या है, तीन और एक चार, चार बटे दो, चार को दो का भाग दिया दो बार गया, कितनी बार दो बार, तीन पर दो हो गई, यहाँ से तीन को दो बार भाग दिया नौ, ये आपका सर, मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा, ओके, तो नेक्स्ट
इसी प्रकार से है, बहुत सिंपल है, पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको इसके चार चार पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करके आपको भेज देता हूं, आप नोट कर लेना। ओके, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, आपसे चर्चा करेंगे और आप वर्क करते रहे। ओके बेटा, कोर्स भी ले लीजिए जिसने नहीं लिया, ओके, और वर्क कर लीजिए कंप्लीट, हम आपसे कॉपी मंगाएंगे चेक करने के लिए, ठीक है। ओके बेटा, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। ओके, आप घर पर भी पढ़ते रहें, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू।